है। अच्छा भाई, फिर हम बात करते हैं जरा डिटरमाइनिंग की। डिटरमाइनिंग क्या होता है? डिटरमाइनिंग इज ऑल्सो नॉन एज नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, KDD, नॉलेज डिस्कवरी। डिस्कवर क्या कर रहे होते हैं? हम डिस्कवर कर रहे होते, दरियाफ्त कर रहे होते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम बाकी भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे होते हैं, कहीं से भी क्या आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमने क्या कर लिया, नॉलेज बना ली है हमने, और उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा लिंक जो बन रहा होता है हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट से बन रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट या नॉलेज डिस्कवरी हम ये कर रहे होते हैं कि हम एक नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं। मसलन इसको ज़रा समझो, कंसिडर आ रिटेल सेल्स डिपार्टमेंट। डेटा माइनिंग सिस्टम मे इन्फर फ्रॉम रूटीन ट्रांजेक्शन दैट कस्टमर टेक इंटरेस्ट इन बाइंग ट्राउजर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सीजन। क्या कर रहा है एक इंडिविजुअल, हमारे पास क्या है, बायर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राउजर्स परचेज करते हैं, रूटीन सी बात है। ठीक है, हैंस इट कैन मेक कोरिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड हिज बाइंग हैबिट्स, कि वो कस्टमर किस किस तरह की चीज़ें बाय करता है। ठीक है, बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज हर परचेजेस। क्या कर दिया, अच्छा भाई वो क्या कर रहा है, वो ट्राउजर परचेज कर रहा है, तो ट्राउजर के साथ साथ क्या क्या परचेज कर रहा है, अगर वो दूध परचेज कर रहा है तो अंडे कितनी बार परचेज कर रहा है। हमने क्या बना लिया, कोरिलेशन बना लिया। जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो इसका मतलब चांसेस ये है कि अगर ये एक चीज़ लेगा तो दूसरी भी लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, और जितना वीक होगा तो हम कहते भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे। तो हम फोकस किसको करें, किसको करें, जिसका वो कोरिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, करेंगे क्या, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल लुक एट दिस इन्फॉर्मेशन एंड मे फॉरकास्ट अ पॉसिबल कस्टमर फॉर मैचिंग शर्ट्स। क्या करेगा, वो फॉरकास्ट कर लेगा पहले से, अच्छा भाई ये ट्राउजर ले रहा था अगर, तो इस साथ शर्ट भी ले रहा था, अगर इसने इस कलर की पैंट लिए तो इस कलर की शर्ट ले रहा है। तो उन्होंने पहले से फॉरकास्ट कर लिया, भाई इसका ट्राउज़र है तो किस तरह की चीज़ें ये परचेस कर रहा होगा, किस क्वालिटी की परचेस कर रहा होगा, किस टाइप की परचेस कर रहा होगा। तो क्या करेगा, पहले से उसने प्रिडिक्ट कर लिया है। तो द सेल्स डिपार्टमेंट मे स्टार्ट अ डिपार्टमेंटल कैंपेन टू सेल द शर्ट्स टू द बायर्स ऑफ ट्राउजर्स थ्रू डायरेक्ट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक और अदरवाइज। तो मैंने लगे अच्छा भाई इसने ये परचेज़ किया है, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको एडवर्टीजमेंट भेजूँ कि भाई हमारे पास इस तरह की हमारे पास शर्ट्स अवेलेबल हैं, परचेज तो करता है। तो हम डायरेक्टली पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँच गए और बहुत ज़्यादा चांसेस कि वो ख़रीद ले। ठीक है, इन दिस केस द डेटा माइनिंग सिस्टम जनरली प्रिडिक्ट्स और एस्टिमेट अबाउट द कस्टमर दैट वॉज प्रीवियसली अननोन टू द कंपनी। ठीक है, एक बंदा था कंपनी में आता था, परचेसिंग करता चल जाता था, आपके पास अगर सिर्फ अगर देखो तो क्या हुआ, आपको सिर्फ ये बदला भाई आपकी इतनी ये सेल्स हो गई। ठीक है, बॉस बहुत क्या बदलेगा, अच्छा ट्राउजर कितने से लोग हैं हमारे पास, बस। बट क्या आप उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आप काम कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो? आपने क्या किया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। करता क्या है बेसिकली, जो डिटरमाइनिंग है बिजनेस एक्टिविटी एंड हिस्ट्री एंड द प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। क्या कर रहा होगा, ये कर ये रहा होगा, अनकवर कर रहा होगा उस पैटर्न को, किस पैटर्न को, बाइंग पैटर्न को, कस्टमर के पैटर्न को, रिलेशनशिप बना रहा होगा ये किसके दरमियान, उसकी बाइंग एक्टिविटीज के दरमियान, उसकी बिहेवियर के दरमियान, उसकी बिजनेस एक्टिविटी के दरमियान। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, हम फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और यही वजह है कि सब दादा ये कहाँ यूज़ होती है डेटा माइनिंग, कस्टमर रिलेशनशिप में यूज़ हो रही होती है, CRM के अंदर। ठीक है, आप जो एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, तब आपने सोचा कि YouTube के ऊपर आपके पास या आपके पास फेसबुक के पास जो एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं वो कौन से आ रहे होते हैं, आपसे रिलेटेड ही आ रहे होते हैं, जो पेज आपने लाइक किए होते हैं उसी से रिलेटेड ही आ रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा भाई इसने ये पेजेस लाइक किए हुए, तो ये इस पेजेस में या इस एडवर्टीजमेंट इंटरेस्टेड हो सकता है, पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। ठीक है, फिर बात आता है नॉलेज या इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक है, नॉलेज या इंटेलिजेंट सिस्टम होता क्या है,
द सेट ऑफ प्रोसेस डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट गैदर स्टोर मेंटेन एंड अप्लाई द फर्म्स नॉलेज इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट. क्या कर रहा है ये, जो भी फर्म्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किसे क्या करेगा, नॉलेज मैनेजमेंट कहलाएगा. हैंस द सिस्टम दैट एड्स इन क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड नॉलेज सिस्टम. ठीक है. अच्छा, हमें इस बात में कुछ समझ नहीं आया, ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है या नॉलेज सिस्टम होता क्या है. देखो, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. मसलन हमारे पास जो है सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका अपना एक्सपीरियंस है. सेल्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, जब मैं सेल्स करने जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ये ब्लैक कलर में नहीं है, वाइट में नहीं है, तो क्या करूँ, हम इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही होती है. ये नॉलेज किसके पास है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास है. तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट इस नॉलेज को अपने पास लेके बढ़ जाए या वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे किससे, प्रोडक्शन से, ताकि प्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्शन करें तो इसको सामने रखते हुए प्रोडक्शन करें. एक नॉलेज थी एक डिपार्टमेंट के पास थी, मगर इसका बेनिफिट किसको है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को है. तो क्या ये नॉलेज शेयर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. तो ये जितनी भी आपस नॉलेज है, हम तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, और हम कर क्या रहे होते हैं, हम इसका डेटाबेस बना लेते हैं भाई हमारे पास जो हमारे पास, और हम इसको डॉक्यूमेंट करते जाते हैं कि भाई क्या था, क्या है, क्या है, क्या है, और अब हमारे पास क्या है, करंट स्टैंडिंग क्या है. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता था. ठीक है. तो नॉलेज सपोर्ट सिस्टम, दिस सिस्टम आर यूज टू ऑटोमेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यू टू इट्स हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट. कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, नॉलेज शेयरिंग जब हमने करनी शुरू की. ठीक है. तो अगर हम नॉलेज, अगर हम इस तरह से हर जो डिपार्टमेंट होता है वो अपनी अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू कर दे, तो उस नॉलेज की बेस पे हम नॉलेज सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. और इस नॉलेज सपोर्ट सिस्टम से क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुँच सकें. ठीक है. ये क्या था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये नहीं था. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपके पास वेरिएबल्स थे कि भाई आपको कहाँ तक पहुँचना है, कस्टमर तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, आपको टारगेट था सेल्स. ठीक है. इस सेल्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे. तो वेरिएबल्स आप चेंज कर रहे थे और आप सेल्स तक पहुँच रहे थे वेरिएबल्स में चेंजेस की वजह से. दूसरे क्या था हमारे पास था, हम आउटपुट था, हमारे पास प्रॉफिट था, डिजायर प्रॉफिट, और इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस आने पड़ेंगी, एक दूसरा था. मगर किसको करना है, हमें करना है. हम मैनुअली खुद वेरिएबल्स चेंज कर करके चेक कर रहे थे, या आउटपुट से हम वेरिएबल्स चेंज कर रहे थे, मगर ये क्या कर रहा होता है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ये पास्ट डेटा के ट्रेंड को देख के खुद ब खुद क्या कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इंटेलिजेंट सिस्टम है. ठीक है. और इसी इंटेलिजेंट सिस्टम की बेसिस पे हम कहाँ चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यही तो होता है कि वो क्या कर रहा होता है, वो खुद से प्रिडिक्शन कर रहा होता है. देखो, यही डीएसएस वाला काम हम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये किया, हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हमने सामने रखी, अब मैं अच्छा अगर हम ये करें तो क्या होगा, ये करें तो क्या होगा, ये करें तो क्या होगा. ठीक है. बट ऑप्टिमल रिजल्ट क्या हो गया, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम, उसने क्या किया, सब चीज़ों को स्कैन किया, उसने खुद इनके लिंक बनाए, देखा अच्छा भाई इनके दरमियान किस किस दरमियान क्या क्या कोरिलेशन है, और खुद ही उसने क्या कर दिया, एक उसने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना के दिया, भाई इस पर्पज़ क्या, डिसीजन बना के दिया भाई ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए. ठीक है. तो उसी से हम आगे कहाँ बढ़ के आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है, देखो ह्यूमन थॉट रेप्लिकेशन है. कौन कर रहा है, हमारे पास एक मशीन कर रही है, सिस्टम क्रिएट करके दे रहा है. देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो काम इंसान कर सकता है, इंसान की इंटेलिजेंस कर सकती है, वही काम एक सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन भी कर सकती है, वही सारे काम. आप करते क्या हो, आप जाते हो रोड के ऊपर, आप देखते हो भाई
गाड़ी चला रहे हो, सामने से अचानक से एक बिल्ली आ जाती है, आप क्या करते हो? आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है? तो ये भी यही करा होता है, ये क्या करता है, ये देखते कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे आए तो क्या करते है? ये ब्रेक लगाते, ठीक है? तो बिल्कुल क्या करता है ये, इंसानों के पैटर्न को, इंसान की लॉजिक को फॉलो कर रहा होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मगर फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसके पास प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, हमारे पास इन चीजों को एनालाइज करने की प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है? तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं तो वो हमसे बहुत बेहतर काम कर सकता है, और यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेज से काम हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है? फिर बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनिशियल था, मतलब हमारे पास बेसिक था, वो है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिस है हमारे पास, जो अभी भी यूज़ हो रही है, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये कुछ नहीं कर रहा होता, हमने इसको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है। मसलन हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें क्या हो गया, हमें बुखार हो गया, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, ठीक है? हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर टेस्ट हमें बताएगा भाई क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर ने कहा अच्छा भाई आप ये दवा ले लो, ठीक है, 2 हफ्ते ये दवा खाओ, मतलब 2 दिन ये दवा खाओ, अगर आपको ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आके रिपोर्ट करो। 2 दिन दवा खाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें डॉक्टर को रिपोर्ट किया, डॉक्टर ने कहा हो सकता है ये कोरोना हो, तो आप कोरोना वायरस का टेस्ट करा लो, ठीक है? अब ये इंटेलिजेंस किसके पास है, ये डॉक्टर के पास है, ठीक है? अगर हम यही एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं, वो करेगा क्या, आपने एक्सपर्ट सिस्टम लॉगिन किया, पहला सवाल पूछेगा भाई आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या हो रहा है, हम बताया भाई नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है और बुखार चढ़ा हुआ है। अब वो अपने डेटाबेस में मैच करेगा ये सिम्टम्स किस किस में आ रहे हैं, ठीक है? जो बाकी चीज़ें होंगी उसको वो हटा देगा, वो सिर्फ उन सिस्टम को अपने पास रख लेगा। अब नेक्स्ट वो कहेगा कि भाई आपने बुखार के लिए कोई टेबलेट वगैरह ली, आपने क्या किया? उसने कहा भाई मैंने ये चीज़ें अभी कुछ भी नहीं लिया, तो क्या सजेस्ट करेगा कि भाई आप ये दवा ले लें इसके लिए, ठीक है? आप फिर गए, आपने फिर से एक्सपर्ट सिस्टम रन किया 2 दिन बाद, आपने कहा भाई मेरे ये सिम्टम्स हैं, वो चेक करेगा बाकी जो चीज़ें उसको हटा देगा, सिर्फ इनको ले आएगा। वो कहेगा भाई आपने दवा ट्राई की? आपने कहा हाँ भाई मैंने दवा ट्राई की। उसने कहा कितनी देर हो गई, कितने दिन हो गए आपको? आपने कहा मैंने जो है अभी 12 घंटे हो गए दवा लिए हुए, ठीक है? वो कहेगा भाई आपने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप जो है 2 दिन बाद, आप फिर मतलब 48 आवर्स बाद आप दोबारा इस पर रन करें। 48 आवर्स बाद में फिर रन किया, वो फिर वही सवाल पूछेगा, बेसिकली कर क्या रहा है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, अगर ये स्टेप हो तो ये कहे, ये स्टेप हो ये करे, ये स्टेप हो तो ये करे, ठीक है? उसने कहा भाई आपने दवा खाई? आपने कहा हाँ खाई। उसने कहा कितना देर हो गई? आपने कहा भाई 2 दिन हो गए। उसने कहा कोई फर्क पड़ा? आपने कहा नहीं, पहले से उसमें प्री डिफाइन हुआ है कि अगर इसका आंसर ये आए तो क्या करना है, ये आए तो क्या करना है, ये आए तो क्या करना है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, उसने कहा भाई अच्छा भाई सब इस तरह आ गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपको कोरोना का टेस्ट करवा लें, ठीक है? तो वही काम जो डॉक्टर कर रहा था, अगर उसका डॉक्टर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। अब एक डॉक्टर एक वक्त में सिर्फ एक पेशेंट को देख सकता है, बट एक्सपर्ट सिस्टम अगर हम इसको ऑनलाइन कर दें तो मल्टीपल लोग क्या कर रहे होंगे, सेम डॉक्टर की नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम करते क्या हैं, जब हमारे पास नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन हो जो किसी स्पेसिफिक बंदों के पास है या किसी लोग के पास है, तो हम क्या करें, हम उससे उनकी एक्सपर्ट नॉलेज ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये कि भाई ये हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगी, जब तक सिस्टम मौजूद है ये चलता रहेगा, इसको हम अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है, रात के 12 बजे डॉक्टर सो रहा है अवेलेबल नहीं है, या अब डॉक्टर खुद बीमार पड़ा हुआ है वो दे सकता नहीं आया, आउट ऑफ कंट्री है, कुछ भी मसला है, बट एक्सपर्ट सिस्टम हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है। और क्या है, उस डॉक्टर में खास बात क्या थी, उसकी नॉलेज, वही सेम नॉलेज हमने किस पर ट्रांसफर कर दी है, एक्सपर्ट सिस्टम में कर दी है। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, आपके पास आपने रिपेयर का आपने सॉफ्टवेयर चलाया, ठीक है, उसने पूछा भाई आपने गाड़ी आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है? उसने कहा भाई इनिशियल आप क्या हो रहा है, तो भाई मैं सेल्फ लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही है, ठीक है? अब वो चेक करेगा कि ये किस किस पे प्रॉब्लम है अवेलेबल है,
उसने कुछ चीज़ें लेके आई है। उसने कहा अच्छा भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है? आपने कहा इंजन रूम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, बाकी जितने ऑप्शन थे उन सबको ऑब्सोलीट कर देगा, सिर्फ इंजन रूम से जो हमारे पास प्रॉब्लम थी खाली वो रह जाएंगी। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर रहा होता है, एक्सपर्ट की नॉलेज लेके अपने पास रख लेता है और बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जिससे एक ह्यूमन एक्ट कर रहा होता है, और जजमेंट पास कर रहा होगा किसकी बेस पे, उस ह्यूमन नॉलेज की बेस पे जो इसमें दी गई है। अच्छा, तो हमने बात की थी ज़रा ह्यूरिस्टिक की, ह्यूरिस्टिक अप्रोच की हमने बात की थी। ठीक है, बेसिकली ह्यूरिस्टिक क्या है, इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। आर्ट और साइंस में फर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्ट एंड व्हाट इज साइंस? देखो हमारे पास साइंस क्या होता है, साइंस वो होते हैं जिनके प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जो रूल्स को फॉलो करता है। हमने कहा एक हमारे पास बॉल है, अगर हम इस बॉल को छोड़ते हैं तो वो कहाँ गिरेगी, वो हमेशा नीचे ही गिरेगी। क्या है हमारे पास, एक साइंस है। साइंस क्यों है ये, क्योंकि एक लॉ है, लॉ ये कहता है कि हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे ही आएगा, और जो भी चीज़ उस लॉ को फॉलो करती है वो साइंस में आ जाएगी। लॉज हैं, लॉज को फॉलो हो रहा है तो वो साइंस में आ जाएगी। आर्ट क्या है, आर्ट पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता। मैं कहता हूँ सूरज बनाओ, आपने ट्रायंगुलर बना दिया, बना सकते हो? कोई लॉ है इसका? नहीं। कैसे बनाना है, क्या बनाना है? नहीं, आपकी मर्जी, आप जिससे बनाओ। एक सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है, सर्किट जो है किस तरह काम करेगा ये साइंस है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कनेक्ट होनी चाहिए, मगर आप डिज़ाइन किस तरह करते हो, नहीं, इन्वेंशन किससे कर रहे होते हो, आपने कोई नई चीज़ बना दी वो क्या है, उससे हट गए, ये क्या है, आर्ट है। ठीक है, आपने नए फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, आर्ट है। आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, आर्ट है। ये क्या हमारे पास, साइंस और आर्ट, जिनके प्री डिफाइंड रूल्स हैं वो साइंस है, उनके रूल्स नहीं है वो आर्ट है। ठीक है, द वर्ड कम्स फ्रॉम द सेम ग्रीक रूट एज यूरिका, मतलब इसके मतलब जो है वो सेम ही है, यूरिका से ड्राइव हुआ है। यूरिका मतलब क्या है, आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया। याद करो वे वाली एग्जाम्पल, हमारे पास कितना, हमारे पास गोल था, हमें उस गोल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है हम ये फाइंड आउट कर रहे थे। इधर हमें जहाँ से जाए, बस से जाए, गाड़ी से जाए, ये ट्रेन से जाए, ये क्या है, ये वो वेज हैं। अ ह्यूरिस्टिक इज अ वे ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन फ्रूटफुली, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। ठीक है, इट ऑल्सो इट रिलेट्स टू यूजिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इज फाउंड बाय द ऑल्टरनेटिव मेथड्स। आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं और उनमें से बेस्ट कौन सा है, तो जो बेस्ट होगा वही आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन तक ले जाएगा। सोल्यूशन तो लेके जा रहे हैं, जहाज भी लेके जा रहे हैं, ट्रेन भी लेके जा रही है, गाड़ी भी लेके जा रही है, बस भी लेके जा रही है, पहुंच वहीं रहे हैं, मगर हर एक की टाइमिंग अलग अलग है, हमारे की कॉस्टिंग अलग अलग है। हम किस, अगर हम मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं तो हो सकता है हमारे लिए ट्रेन ज़्यादा इफेक्टिव हो, अगर हम जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं हो सकता है जहाज हमारे लिए इफेक्टिव हो, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। अपने पास क्या है, न्यूरल नेटवर्क। आजकल जिस पे ज़्यादा काम चल रहा है वो क्या है हमारे पास, न्यूरल नेटवर्क, कि एक इंसान काम किस तरह कर रहा होता है, बायोलॉजिकल ब्रेन किस तरह काम कर रहा होता है, क्या कर रहे होते हैं हम। देखो एक कंप्यूटर में, एक सिस्टम में और एक इंसान में फ़र्क क्या है, इंसान जो होता है वो शुरू से लर्निंग करता रहता है, बचपन से लेके अब तक, आप छोटे थे तो आपको बोलना नहीं आता था, आपने क्या किया, आपने सुन सुन के बोलना शुरू कर दिया। ऐसे कितने अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं मगर बोल रहे होते हैं, उर्दू बोलते हैं। एक अंग्रेज़ होता है, उसने कभी नहीं पढ़ा लेट सपोज, इंग्लिश बोल रहा होता है, कहाँ से सीखी, एनवायरनमेंट से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि एनवायरनमेंट में नहीं, लर्निंग नहीं की। ठीक है, तो क्या कर रहे होते हैं हम, लर्निंग कर रहे होते हैं, इसीलिए इंसान में एक खास बात है, क्यों, क्या कर रहे होते हैं, अपने आपको अपडेट करता रहता है
लर्निंग से। मगर जो सिस्टम होता है उसमें जो फीड कर दिया तो कर दिया। वापस से सोचो, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एक्सपर्ट सिस्टम की। इसमें क्या है, हमने ह्यूमन एक्सपर्टीज इसमें डाल दी, इसमें आ गई, ठीक है, इसने सब आ गई है, मगर ये लर्न कुछ नहीं करेगा। नई इन्फॉर्मेशन, नए डिजीज अगर आ गए, नई प्रॉब्लम्स आ गई, तो अपने आपको अपडेट नहीं कर सकता। लर्निंग सिस्टम नहीं है इसके अंदर। अब जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल जो काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क पे। ये क्या कर रहा होता है, ये ऑटो लर्न कर रहा होता है पैटर्न्स, अपनी गलतियों से खुद ही सीख रहा होता है, इंसान की तरह बिहेव कर रहा होता है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब उसी में क्या आ गया, हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम आ गया है। न्यूरल नेटवर्क ऑटो लर्निंग कर रहा होता है, अपने आप को ऑटो अपडेट कर रहा होता है ये, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक और चीज़ कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो कहलाती है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक क्या होता है, देखो, हम जो भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम सिर्फ इनको बाइनरी पे ले आए, यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन होंगे। लेट्स, हम एक सिस्टम बनाते हैं, हम एक गाड़ी बनाई, हमने गाड़ी के अंदर क्या है, ऑटो ब्रेक सिस्टम, ठीक है। हमने कभी, जैसे ही कोई गाड़ी है, अगर दूसरी गाड़ी से इसका डिस्टेंस लेट्स से अगर 3 मीटर रह गया है, तो इसके ऑटो ब्रेक अप्लाई हो जाए। गाड़ी है, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से अगर डिस्टेंस 3 मीटर का रह गया है, तो खुद ही ब्रेक अप्लाई हो जाए, ठीक है, सही है भाई। तो वो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी से उसने देखा, वो सिर्फ दो सवाल पूछ रही होगी, क्या डिस्टेंस 3 मीटर है या नहीं। अगर नो, तो ब्रेक अप्लाई नहीं होंगी। जैसे ही डिस्टेंस 3 मीटर पे आएगा, वो कहेगा यस, ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, सही है। मगर फजी लॉजिक क्या कहती है, कि क्या हमेशा ऐसा होना चाहिए, हमारे पास इसके दरमियान भी वेरियंस होती हैं। मसलन, ये डिपेंड नहीं करा हमारी स्पीड पे, अगर हमारी स्पीड बहुत ही स्लो, तो क्या ब्रेक लाना लाजमी है अभी, नहीं। तो वो ये कह रहा होता है, हमारे पास इसके डिफरेंट अलग अलग और भी, हमारे पास इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ डिज़ाइन किए होंगे, कुछ बनाए होंगे, उसमें आप जो लेकर्ट सेल यूज़ करते हो, क्या होता है, आप कहते हो कि जैसे कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आप कहते हैं कि हाँ, मतलब आप कहते हो कि भाई जैसे स्ट्रांगली सेटिस्फाइड या स्ट्रांगली एग्रीड, एग्रीड, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये क्या हमारे पास एक तरह से फजी लॉजिक बन गई है, कि हमारे पास सिर्फ यस और नो, ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं है, हमारे पास इसके बीच में भी स्केल बन सकता है, ठीक है। तो हर एक ही, वही क्या करता है, हर एक की प्रोबेबिलिटी है, हर एक की प्रोबेबिलिटी है, और उस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कहता है फजी लॉजिक। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो आखिरी है, वो कहलाता है हमारे पास एक्सपर्ट सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास जो हो रहा होता है, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ये कौन यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहे हैं सीनियर मैनेजर्स, ठीक है। किसी लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास ये जो होता है, जैसे हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था, वो हमारे पास रूटीन का नहीं था। सेम ऐसा ही जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ये भी नॉन रूटीन होता है, रूटीन का नहीं होता, ठीक है। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इनके पास इंटरनल MIS भी आ रहा होता है, और DSS, इन दो से बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। देखो, अब इनका ताल्लुक MIS उससे नहीं है, किससे नहीं है, TPS से, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से इसका ताल्लुक अब नहीं है। अभी क्या ले रहे होते हैं, ये सिर्फ दो से ले रहे होंगे, MIS से ले रहे होंगे रिपोर्ट से, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से डेटा ले रहे होंगे, और उनकी बेसिस पे ये आगे सोच रहे होंगे भाई क्या करना चाहिए कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है,
कॉम्पिटिटर के हवाले से, एक्विजिशन करना है या नहीं करना, टेक ओवर्स करने नहीं करने, स्पिन ऑफ वगैरह, सारे मेरे पास कौन कर रहे होंगे, एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में? दे आर जनरलाइज टू केपेबल ऑफ डीलिंग विद द चेंज प्रॉब्लम कौन DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सिंस एग्जीक्यूटिव हैव लिटिल कॉन्टैक्ट विद द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो ESS यूजेज मोर ग्राफिकली इंटरफेस फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या कर रहे होते हैं, DSS जो हमारे पास था वो ज़्यादातर काम किस पे कर रहा था, वो डेटा पे काम कर रहा होता है, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये ग्राफिकली यूज कर रहे होते हैं ताकि इनको आसानी से उसको समझ सकें और ज़्यादा बेहतर तौर पर डिसीजन सपोर्ट कर सकें। देखो अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई हमारे पास रिजल्ट आया क्लास का, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या है 84, एक आया 56, एक आया 36, एक आया 35, एक आया 49, एक आया 56, एक आया 79, एक आया 78, एट द एंड HOD को ये बात समझ पाएंगे कि भाई कहना क्या चाहते हो, मुझे आसान अल्फाज में बता दो कि क्या रहा। हमने कहा भाई 5 के A's आए, 2 के हमारे पास B आए, 9 हमारे पास C में थे, ठीक है, 15 हमारे पास D में थे और बाकी सारे F में। अब ये बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि क्या है, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, मतलब खैर हमारे पास ये MIS बन जाएगा, ठीक है, जिससे DSS बन रहा है हमारे पास। मगर अगर ये मैं ग्राफिकली शो करूँ, एक बार ग्राफ बना दिया मैंने, तो ये और ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है कि क्या बन गया, ये ESS बन गया। ठीक है, तो ESS क्या होता है हमारे पास, ये ज़्यादा ग्राफिकली फॉर्म में होता है। इसको समझ लोगे कि DSS टिपिकली प्रोवाइड अ स्प्रेडशीट स्टाइल, ठीक है, डेटा की फॉर्म में हमारे पास है, जबकि ESS जो है वो दरअसली किसकी फॉर्म में है हमारे पास, ग्राफिकली फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, अब हम इस लेवल पर आ गए कि हम इसको समझ सकें। देखो हमारे पास लेवल होते हैं 3, कौन सा है, ऑपरेशनल, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजर्स देख रही होंगी ऑपरेशनल लेवल को, मिडिल मैनेजमेंट देख रही होगी मैनेजमेंट लेवल को, और हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट देख रही होगी स्ट्रेटेजिकल लेवल को। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मतलब HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी को ब्रेक करते हैं, हमारे पास ऑपरेशनल वाले क्या कर रहे होंगे, डे टू डे, डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, इनको काम करना है, डेली बेसिस पे हमें तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना है, सीजन मार्केटिंग को, हमारे पास जो है प्रोडक्शन को, हमारे पास अकाउंटिंग फाइनेंस को, वगैरह वगैरह। ये क्या कर रहे होंगे, ये ऑर्डर्स प्रोसेसिंग कर रहे होंगे सीजन मार्केटिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे होंगे, मटेरियल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, परचेजिंग हो गई हमारे पास, मटेरियल की शॉर्टेज है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे पास हो गई, आगे फॉरवर्ड करना है हमारे पास हो रहा है। फाइनेंस वाले पेरोल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश हमारे पास पेटी कैश वगैरह वगैरह हैंडल कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स वाले डेली एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस मेंटेन हो रही है, उनकी जो है परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है, वगैरह वगैरह। ऑपरेशनल लेवल हो रहा है, अब हम आगे आ गए, हम कहाँ आ गए, हम मिडिल मैनेजमेंट पे, तो DSS और MIS कहाँ हो रही है, मिडिल मैनेजमेंट हो रही है, डेली लेवल के ऊपर हो रही है। ठीक है, मसलन हम आ गए, पहले किस पे आ गए, ऑर्डरिंग पे आ गए, हम सेल्स पे, क्या हो गया हमारे पास, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स रीजनल एनालिसिस। ठीक है, बस क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्शन शेड्यूल, ये कौन आ गया हमारे पास, ये मिडिल मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, कि कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या होनी चाहिए। एनुअल बजटिंग कहाँ पे आ गई हमारे पास, इसमें आ गई अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर आ गई हमारे पास। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कहाँ आ गई, फाइनेंस में आ गई हमारे पास। रिलोकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इसमें आ गई हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस कहाँ आ गई, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में आ गई। ठीक है, तो ये सारे के हमारे पास क्या है, DSS है हमारे पास, मिडिल मैनेजमेंट जो कर रही है, DSS और MIS मिला के। टॉप लेवल पर हमारे पास क्या आ गया, ESS आ गया, हमने क्या कर लिया, 5 ईयर्स प्लान फोरकास्ट कर लिया, हमने ट्रेंड कर लिया हमारे पास, ऑपरेटिंग प्लान्स बना लिए हमने, हमने प्रॉफिट प्लानिंग कर लिए, हमने पर्सनल प्लानिंग कर लिए, वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। 5 ईयर सेल्स फोरकास्ट कौन कर रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा होगा। 5 ईयर्स ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्लान कौन कर रहा होगा, सेल्स के साथ कौन लान कर रहा होगा, प्रोडक्शन। सेल्स होगी तो क्या करोगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो प्रोडक्शन हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया। प्रोडक्शन होगी तो हमें क्या चाहिए होगा, क्या मिल रहा होगा हमारे पास, सेल्स और प्रोडक्शन से जो बच रहा होगा हमारे क्या है, वो प्रॉफिट है, वो कौन कर रहा होगा,
मेरे पास फाइनेंस वाला कर रहा होगा, और आखिर में क्या होगा मेरे पास, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, कॉम्प्लेन कर रहा होगा एचआर डिपार्टमेंट के भाई मुझे क्या करना है 5 साल में अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है, ट्रेन करना है, कितना ट्रेन होना चाहिए, कि बस क्या सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कौन कर रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टार्ट करते हैं TPS, MIS, DSS और ESS। ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहा है ये हमारे पास, क्या कर रहा है ये, MIS रिपोर्टिंग कर रहा है, समरी प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, रिस्क क्या कर रहा है हमारे पास डेटा दे रहा है भाई क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एनएल मॉडल्स यूज कर रहा है, और ESS क्या कर रहा है हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। याद रखो DSS इंटरनल काम कर रहा था जबकि ESS एक्सटर्नल भी कर रहा होगा। ये किस, ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक काम कर रहा है, डेटा गैदर कर रहा है, डेटा को अपडेट कर रहा है वगैरह वगैरह। MIS क्या कर रहा है, रूटीन की रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, किसको दे रहा है, DSS वालों को दे रहा है, ठीक है, और ESS वालों को दे रहा है। ये क्या कर रहा होगा, ये एनालिसिस कर रहे होंगे, डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होंगे, जबकि ये क्या यूज़ कर रहे होंगे, ये ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होंगे, सिमुलेशन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और आई थिंक ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ये मिडिल मैनेजमेंट पे, ये हमारे पास ये भी मिडिल मैनेजमेंट पे, और ये कौन है, सॉरी ये मिडिल मैनेजमेंट पे तो है मगर ये कौन कर रहा होगा, ये IT डिपार्टमेंट कर रहा होगा, ये मिडिल मैनेजमेंट पे, ये IT डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होगा, ये डिपार्टमेंटल हेड्स कर रहे होंगे, ठीक है, और ये टॉप मैनेजमेंट कर रही होगी। ठीक है भाई, TPS क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई पेरोल सिस्टम में आई, यहाँ से हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए, इससे हमारे पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी और डिफरेंट जगह पर वो रिपोर्ट हो जाएगी। MIS क्या कर रहा होगा, उस पास हमारे पास जो डेटा आया है बेसिक डेटा, वो आगे हमारे पास सबके अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, और रिसम से आ रहा है, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये मास्टर फाइल आ रही है, उसकी मटेरियल से वाले से आ रही है, ये जनरल आ रही है हमारे पास, जनरल लेजर से आ रही है, अकाउंट्स के हवाले से, ये तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही होगी हमारे पास, यहाँ पे आ रही है MIS फाइल में आ रही है, और इन सब की बेस पे हमने कंबाइन करके रिपोर्ट जनरेट करनी है। हमने एक MIS पास गई, MIS ने एक रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजर से फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक, हमने सेल्स किए, सेल्स कितनी हुई है, कॉस्ट कितनी बैठ रही है, एक्सपेंसेस कितने हुए, प्रॉफिट कितना आया, मगर ये तमाम इन्फॉर्मेशन अलग अलग से आ रही है। मसलन अगर मेरे पास कॉस्टिंग आ रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी, प्रोडक्शन से आ रही होगी, सेल्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही होगी, वो सेल्स डिपार्टमेंट से आ रही होगी, ठीक है। अदर एक्सपेंस कितने आ रहे हैं उसके ऊपर, वो कहाँ से आ रही होगी, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आ रही होगी, ठीक है। मगर मैनेजर को क्या करना है, मुझे तमाम चीज़ें रिपोर्ट करनी है, तो डिफरेंट जगहों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सब कलेक्ट करके हमने एक रिपोर्ट बना के मैनेजर को फॉरवर्ड कर दी है। अब उस रिपोर्ट से क्या करा होगा, डिफरेंट हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हमने लिए, उसको एनालिटिकल मॉडल पर डाला, और हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है कि भाई क्या क्या इफेक्ट इनके आ रहे होंगे। और फाइनली ESS डिफरेंट हमारे पास जो है, ESS हमारे पास जनरेट हो रहे होंगे किसके, MIS और DSS की बेसिस पे, क्योंकि ग्राफिकली हमारे पास आ रहा होगा, और हम क्या करेंगे आगे इसको यूज़ कर रहे होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस के लिए, ठीक है। ये देखो हमारे पास TPS से, TPS इन्फॉर्मेशन दे रहा है MIS को भी और DSS को भी, ठीक है, जबकि DSS पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, MIS से आ रही है और TPS से आ रही है, मगर जो ESS पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ कहाँ से आ रही है, MIS से आ रही है और DSS से आ रही है। तो बेसिकली TPS इन्फॉर्मेशन दोनों को दे रहा होता है, MIS को और DSS को, DSS में इन्फॉर्मेशन TPS से आ रही होती है और MIS से आ रही होती है, और ESS में इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास MIS से आ रही है और DSS से आ रही होगी।